अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल और करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, हर दुख हर परेशानी से दूर रखे, आमीन सुबह आमीन। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग भी मैं कुकिंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ जी फलियाँ और कीमा। कीमे को मैंने बस प्याज टमाटर लहसुन अदरक डाल के नमक मिर्च हल्दी डाल के तो उसको लगा दी थी जी विसल। पानी इसका खुश्क हो चुका है, विसल अभी बंद की थी मैंने, अभी कैप खोला है। तो अब मैंने अपने चम्मच की मदद से थोड़े से जो प्याज टमाटर थे उनको मैश कर दिया, ऑयल डाल दिया। अब खड़ा मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें फलियाँ जो थी मैंने इनको अच्छी तरह से इनको कटिंग करके इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, कुछ छील ली थी, कुछ बारीक बारीक काट ली थी। तो ये देखिए जी इनकी ये लुक है फाइनल। तो बस इनको अब धो लिया है, तो कीमा भी अच्छी तरह से भून चुका है। तो बस इसमें फटाफट से फलियों को करते हैं ऐड। ऐड करके तो इसको भी आपने 5 से 7 मिनट 10-12 मिनट बल्कि आपने इसको अच्छी तरह से ना भूनते जाना है। थोड़ा सा नीचे बैठेगा भी, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है और भूनते जाना है। तो जल्दी जल्दी से अब ये वाला काम करते हैं। और इसके साथ बताती चलूँ, चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें, इससे नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, आपका हमारे लिए प्यार होता है। और आज आपको मैं गुड न्यूज़ भी सुनाने वाली हूँ, तो वो गुड न्यूज़ क्या है आपको आगे चल के मैं बताती हूँ। तो जी इसको अच्छी तरह से भूनते हैं। और घर का काम चुके कल कल वीडियो में आपने देख लिया होगा, स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो उसकी भी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ क्योंकि आज वो वाला काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से मैं इसको भून रही हूँ। ऑयल आप देख रहे हैं जैसे कि ऑयल ऊपर निकल रहा है इसका, तो अभी भी इसको मैं मुसलसल भूनूंगी। जितना आप हंडिया को भूनेंगे ना उतना ही चाह हंडिया का टेस्ट आता है। तो बस इसको मज़ीद अब और भूनते हैं। और इसमें मैं हरी मिर्चें और अच्छा सॉरी पहले मैं इसको थोड़ा सा गला लूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने डाला जी पानी, पानी डाल के तो अब इसको थोड़ी देर के लिए ना हम वैसे ही बस कवर करके रख देंगे कोई 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, उधर मैं अपनी देर तक ना प्याज सॉरी धनिया और साथ में हरी मिर्च जो है ना वो बारीक बारीक कटिंग कर लेती हूँ। और जब तक ये सॉफ्ट हो गई थी तो उधर मैंने हरी मिर्ची और धनिया कटिंग कर लिया था, बस उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ऑयल भी ऊपर निकल आया हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी है, तो उसको भी अब थोड़े से ड्राई होने के लिए रखते हैं बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम में। और ऑयल इसका ये देखिए जी माशाल्लाह से अब निकल चुका है, और जो धनिया था हरी मिर्ची थी वो भी अंदर मिक्स हो चुकी है। और ये इसकी फाइनल लुक है। साथ ही इसके मैंने रोटियाँ बनानी थी, और मोहम्मद उबैद और बिलाल और कुतलाइन जो है ना वो ऑयल वाली रोटी खाते हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर ना घी लगा देती होती, देसी घी ऐसे बस थोड़ा सा लगा के नुमान के साथ चोपड़ देती होती हूँ। तो बस सबको खाना मैंने कर दिया जी सर्व। मैं अपने लिए और मोहम्मद उबैद के लिए खाना डाल रही हूँ। अब मैं खाना खाती हूँ, फिर खाना खा के आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और बहुत ही मज़े की बनी हुई थी फलियाँ कीमा, बहुत टेस्टी बना हुआ था। पहली दफ़ा जैसे कि जब का सीज़न आया ना, हमने आज ही फर्स्ट टाइम ट्राई की थी। और ये देखिए जी यहाँ पे अब पाइप उन्होंने डाल दी है, पाइप डाल के तो ऊपर ये मिट्टी डाल रहे हैं, मिट्टी डाल के पानी डाल रहे हैं ताकि ये नीचे बैठ जाए, फिर मज़ीद ऊपर और मिट्टी डाली जाएगी। जो पाइप था ना वो सारा अंदर से टूट चुका हुआ था, एक दो दफ़ा निकलवाया है ना हमने जो हमारा ड्रेन था, तो अंदर ही पाइप उनसे टूट गया हुआ था और वो मज़ीद ना जो था ना नुकसान दे रहा था। ड्रेन थोड़ी सी भी बारिश होती थी उनसे पानी बाहर आ जाता था। तो यहाँ पे अब देखिए जी पानी इन्होंने डाल दिया था, अब ये खुश्क हो गया। अब यहाँ पे अब टाइलें नहीं गए हुए थे पापा, इनके ऊपर हम टाइलें सोच रहे हैं पत्थर की टाइलें लगवा लें, क्योंकि ये बिल्कुल घर की एंट्रेंस है, तो वैसे तो बहुत बुरा लगना था सीमेंट वगैरह या कुछ भी। तो हमने कहा नहीं पापा यहाँ पे कुछ टाइलें, क्योंकि पहले तो ये फर्श पे ना चिप्स हुई हुई है अंदर सारी, और काम भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने फर्श को ना कटिंग किया था ना, उसकी वजह से आप हालत दे सकते हैं फ्रिज की, बाकी सब घर की भी हालत आपको अभी मैं दिखाती हूँ। और ना किचन भी जो है वो अभी मैंने कल ही साफ़ किया था, आपको वीडियो मैंने दिखाई थी, लेकिन आज किचन को दोबारा साफ़ करना पड़ेगा। ये देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट है। बस यहाँ पे मैंने अभी चाय बना के दी है मज़दूरों को बाहर, वो चाय बैठ के पी रहे हैं, कह रहे हैं अब थोड़ी देर बाद फिर दोबारा वो काम स्टार्ट करेंगे क्योंकि इतनी देर पापा लेने गए हुए हैं टाइलें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा डस्ट हर चीज़ पर पड़ चुकी है, कल ही मैंने साफ़ की थी। और अब ये समझ लें 1-1.5 घंटे बाद की बात है। यहाँ पे मैंने मज़दूरों के लिए बनाया था जीरू अफ़ज़ा शरबत, और मैं मधुबैद कह रहा था मुझे भी साथ दे दें जी, मैंने कहा चलो तुम भी बैठ के पी लो। पापा यहाँ पे टाइलें लेके आ चुके हैं, अब काम हो गया जी स्टार्ट। और यहाँ पे अब वो कटिंग कर रहे हैं मज़ीद, ये जो है पत्थर की टाइलें सामने पड़ी हैं ये वाली हमने यहाँ पर लगवानी है। तो उनका मतलब था और आगे से फर्श तोड़ देते हैं तो इनको लंबी लंबी ही ऐसे लगा देते हैं, तो हमने सोचा था कि दूसरी साइड पे लंबी लंबी लगेंगी, लेकिन फिर पापा ने मना किया ना ज़्यादा तोड़ें ये तो काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर उन्होंने उसको वहाँ पे बस कर दिया था। मैं आपको भी दिखाऊंगी जब इसकी फाइनल लुक होगी कहाँ पे वो मज़ीद तोड़े थे जो पापा ने इनको ये देखें आगे से ना फर्श को और तोड़े थे कि टाइलों को ऐसी लंबी ही कर लें उनको ना, उनका मतलब था जो पत्थर की टाइलें हैं ना वो उनको काटनी नहीं पड़ेंगी, तो उन्होंने उसकी खातिर ना फर्श को ज़्यादा तोड़े थे। पापा ने कहा ना तोड़ें क्योंकि इससे काम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और मज़ीद लंबा भी हो जाना था। हमें था कि बस ये वाला काम आज ही निपट जाए, क्योंकि ना आपको एक खुशखबरी भी मैं अभी सुनाती हूँ, गुड न्यूज़ भी है और साथ में कुतलें की बर्थडे भी है।
कल इंशाल्लाह ताला उसकी बर्थडे है, तो बस मैंने ये वाला काम समेट के तो उसकी बर्थडे की भी प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो बस यहाँ पे अब मैंने काम स्टार्ट कर दिए किचन का। अब जल्दी सब चीज़ें दोबारा से धुलेंगी, इनको सोप लगा के मैं अब रखती जा रही हूँ सिंक पे ताकि अच्छी तरह से इनको वॉश करके तो फटाफट से एक एक कोना हम बड़ी बड़ी साफ़ करते हैं। अच्छा जी, गुड न्यूज़ जो थी ना, वो गुड न्यूज़ ये है जी कि अम्मी और पापा माशाल्लाह से जा रहे हैं जी उमड़े पे, और आप भी इनको दुआओं में याद रखिएगा कि हैर से जाएँ और हैर से आएँ। साथ में मेरे देवर जो हैं वो भी जा रहे हैं, तो उनकी बस फ़्लाइट जो है ना वो उनकी है जी 15 को उनकी फ़्लाइट है, तो हैर से वो जा रहे हैं। तो बस तैयारियां चाहिए उनकी भी चल रही हैं उमड़े की, थोड़ी सी मैं आपको दिखा दूँगी उसकी भी वीडियो। और स्पीड आप मेरी चेक कर रहे हैं, वीडियो मैंने तेज़ की हुई है, मैं खुद देख के हंस रही थी कि माशाल्लाह से ऐसे लग रहा है जैसे इतनी जल्दी मैं काम कर रही हूँ, लेकिन इतनी जल्दी कर नहीं रही थी है, वीडियो को मैंने किया हुआ था जी तेज़। और ना जो मक्खी है ना वो तो बिल्कुल नहीं आजकल पीछा छोड़ रही, और जो छोटे छोटे कॉकरोच है ना जितनी मर्जी सफाई कर लो वो टाइलों पे फिर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए जी, अब मैंने ये वाली जो सारी साइड थी ना इसको मैंने सारा क्लीन कर दिया, एक एक बर्तन मुझे धोना पड़ा था, कप भी ग्लास एवरीथिंग मुझे सब कुछ धोना पड़ा है। वो सामने जो स्पून पड़े हैं ना रैक में वो भी मुझे वॉश करने पड़े थे। अब यहाँ पे जी चूल्हे को भी अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। चूल्हे की आप हालत देख रहे हैं कैसे वाइट हुआ है सारा डस्ट से, जो इन्होंने कटिंग की है ना टाइलें जो ज़मीन उसकी वजह से ना जो वाइट कलर का कहते हैं ना डस्ट टाइप बहुत ज़्यादा उड़ी है, सब कुछ ही उसने ख़राब कर दिया हुआ था। तो बस यहाँ पर अब मैं चूल्हे को अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ क्योंकि मैंने काम और भी बहुत ज़्यादा करना है। चूँकि आपको पता है मैंने कुतला इनकी बर्थडे है, उसके लिए केक्स वगैरह भी मैंने खुद ही घर में बनाने हैं। तो अभी मैंने मेन्यू भी लिख कर डिसाइड करना है कि अभी मैं क्या क्या बनाऊंगी बर्थडे में और क्या करूं क्या नहीं करूं, अभी वो भी सब कुछ डिसाइड करना है। तो पहले मैंने कहा सब कुछ ये जो घर है इसको क्लीन कर लें, फिर उसके बाद ये वाला सारा काम करेंगे, क्योंकि ये भी काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गंदा हो गया था ना उसकी वजह से ना बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बस क्या कहते हैं ना दिल बहुत ज़्यादा ना अजीब सा हो रहा था इतना ज़्यादा गंद देख कर, बहुत ही ज़्यादा डस्ट थी किचन तो बिल्कुल ही, बस मुझे देख के इतना अफसोस हो रहा था। खैर फटाफट से अब सारा किचन मैंने क्लीन कर लिया, चूल्हा भी मैंने सारा अच्छी तरह से वॉश कर लिया, इसके स्टैंड सब कुछ मैंने एवरीथिंग वो भी वॉश किया। वॉश करने के बाद अब मैंने इसको भी यहाँ पे लगा दिया है सारा सामने, बर्तन का सब रैक भी वॉश हुआ था, सारे बर्तन भी वॉश हुए थे। अच्छा यहाँ पर अब टाइलें लग चुकी थी, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और फ्रिज को अब उसकी जगह पर रखे हैं वापस, ये वाली फ्रिज इधर पड़ी होती है, जो फ्रीज़र है वो दूसरी तरफ पड़ी होती है। तो बस यहाँ पे जो हस्बैंड है उनके साथ अहमद मदद करवा रहा था, साथ में जेठ थे वो मदद करवा रहे थे फ्रिज को यहाँ पे रखने के लिए। और ऊपर सब बस इसकी सेटिंग करते हैं, यहाँ पे स्विच वगैरह जो था हमने अंदर अटैच किया हुआ था ना, यहाँ पर अब हस्बैंड को अटैच करते हैं। अच्छा जो काम था ना ये देखिए फ्रिज के नीचे से स्टार्ट हुआ हुआ था, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये सारा यहाँ पे पत्थर की टाइलें ना पूरी दरवाजे तक लग चुकी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि बाहर भी डस्ट से क्या हाल है, सेम पूरा बड़ा हुआ था। उधर से मैंने ब्रश लगा दिया था और तपड़ियाँ भी लगा दी थी साथ ही। अच्छा जी, अजान हो रही थी उसके लिए मैंने इधर स्टॉप कर दिया था, मैंने कहा उसके बाद मैं वॉइस ओवर करती हूँ, अजान हैर से हो चुकी है। ये मैं जोहर के टाइम बैठ के वॉइस ओवर कर रही थी। ये देखिए जी सारी टाइलें ना दरवाजे तक लगी हुई हैं जी, जो एक्स्ट्रा साइड पे छोटी छोटी टाइलें लगी हैं ना ये वो दोबारा तोड़े थे आगे तक करने के लिए, पापा ने कहा नहीं इतना ज़्यादा ना फर्श तोड़े तो आप वहाँ पर बस वैसे ही अटैच कर दें। तो बस जी अब है जी किचन के ऊपर से तो सफाई हो चुकी है, तो अब सारी करते हैं जी नीचे से सफाई, बाहर से भी सारी इसको क्लीन करते हैं। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, इजाज़त चाहती हूँ, बहुत सारी दुआ में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है, अल्लाह हाफिज़।